कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, टूट जा बेफिकर बेफिकर। अच्छा मुझे लगता था ऑफिस में ये सब नहीं होता। सोच है तुम्हारी, तुम्हें पता है गाड़ी क्यों खराब हुई? क्यों? आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है मेरी किसी कॉलीग की हरकत है। कुछ अरसा तो बेचारी ने मैनेज किया, लेकिन फिर उसने अपने घर वालों को बताया, और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे घर बिठा लिया होगा। एग्जैक्टली, यही किया, यही करते हैं माँ बाप वर्क प्लेस पे या बाहर कहीं उनकी बेटी या बहन को हरास करता है, तो उनको सबसे सेफ ऑप्शन यही लगती है। कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, टूट जा बेफिकर बेफिकर। क्योंकि मैं वेट कर करके थक गया हूँ, मुझे लगा तुम खुद आओगे मुझसे बात करने। मैंने तुम्हें सेफ जोन में रखा, बॉस को कुछ बताया नहीं, लेकिन मुझे उसका अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। सलमान साहब, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा खुल के बात करिए। You know, मुझे मालूम है there's something in between you and उमर। मैंने बॉस को अभी तक कुछ नहीं बताया भाई, मेरा बताने का इरादा है। तुम्हारा और उमर का जो भी सीन है, none of my business, पर मुझे भी तो कोई बेनिफिट होना चाहिए ना यार। क्या बेनिफिट? देखो प्रोजेक्ट के हवाले से जो होगा वो देखी जाएगी, बात की बात है, पर सबसे पहले तो हमारी दोस्ती होनी चाहिए, फ्रेंडशिप, एंड फ्रेंडशिप विद बेनिफिट। हाँ, लेकिन कितनी मजबूरी है, ताड़ू को ये भी नहीं कह सकती। ताड़ू, तू बिल्कुल ताड़ू की। ठीक है सलमान साहब, आप जैसे कहेंगे वैसे ही हो। बस अगर एक मिनट के लिए मेरे साथ चलिए। कहाँ? अरे चलिए तो सही। ये क्या कर रही हो? मरियम प्लीज, मरियम, मिस मरियम प्लीज। What is this, Mariam? I'm sorry, sir. लेकिन इन साहब के साथ साथ कुछ और मर्दों को भी ऑफिस में यही लगता है कि ये प्रोजेक्ट मैंने अपनी सलाहियतों पे नहीं बल्कि अपना मुंह काला करके विन किया है। क्लाइंट यहाँ है, आप यहाँ हैं, ये यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ। सर प्लीज आज इस बात को क्लियर कीजिए, मैं ये टॉर्चर मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। मिस मरियम, कूल डाउन प्लीज। नो सर, आई कांट कूल डाउन। आप प्लीज मुझे ये बात बताइए कि प्रोफेशनल मीटिंग्स के अलावा मैंने कभी आपसे बाहर मिलने की कोई ख्वाहिश की है? कभी हम बाहर मिले या मैंने आपको कोई टेक्स्ट या कोई कॉल कुछ किया हो? सर इट्स रिडिकुलस, आप मुझसे ऐसे सवाल नहीं कर सकती। सर आप इन्हें प्लीज बताइए कि मेरा और आपका कोई सीन नहीं है। मिस मरियम प्लीज बैठे और पानी पीजिए। नहीं सर, आप शायद नहीं समझते कि ये बात अपने आप में ही कितनी तकलीफ दे। एक लड़की मेहनत करने के लिए, करियर बनाने के लिए सड़क पे उड़ने वाली गंदी नजरों से बच तच के ऑफिस पहुंचती है। अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन को किसी ना किसी तरह यकीन दिलाती है कि वो ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ, अपने घर वाले, अपने दोस्त सबको छोड़कर अपने करियर पे मेहनत करती है वो, और जब वो कुछ हासिल कर लेती है, कामयाब हो जाती है, तो इन जैसे घटिया लोग, घटिया सोच रखने वाले लोग कहते कि हाँ वो तो औरत है, शॉर्टकट लिया होगा, औरत काट ले किया होगा या फिर अफेयर चलाया होगा, और फिर आ जाते अपना हिस्सा मांगने। मुझे नफरत है इनसे, इनके वजूद से, इनकी सोच से, घटिया सोच से। सलमान, I'm sorry sir।
मिस मरियम आप बैठ जाएं प्लीज प्लीज। Are you okay, Miss Mariam? No, sir. I'm not okay. मैं थक गई हूँ। रोज़-रोज़ के इस महाज से थक गई हूँ। हर लड़की थक जाती है, थक के बैठ जाती है, बिठा दी जाती है। क्या फिर वो वैसी ही बन जाती है जैसे सब सोचते? करियर बनाने के लिए, कामयाब होने के लिए लड़की को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेश करना क्यों जरूरी होता है? क्यों सर? आप किसी भी शख्स के किसी भी सवाल का जवाब देने को पाबंद नहीं है मरियम। अस्सलामुअलैकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कई बार सोचा आपको कॉल करूँ, चक्कर लगाऊँ आपके ऑफिस में, लेकिन फिर मैंने मुझे ख्याल आया आप तो बहुत बिजी रहती हैं, इसलिए मैंने तंग नहीं किया। हाँ बिजी तो मैं बहुत रहती हूँ, लेकिन अब मुझे भी तुमसे मिलना है। ये बताओ कब आ सकती हो मेरे ऑफिस? आप जब हुक्म करें मैं आ जाऊँगी। तो फिर ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। राइट मैम, ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। और बताओ कैसी जा रही है तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी कैब? मैम सच पूछे तो पिछले 6 महीने से मेरे लिए जिंदगी का मतलब ही बदल गया है। अब मुझे लगता है किसी भी औरत को घर नहीं बैठना चाहिए, सबको काम करना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान में औरतों की आबादी का तनासिब तकरीबन 51% है। अब तुम खुद बताओ, अगर आधा पाकिस्तान घर बैठकर खाएगा तो हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? True. खैर, हमारा इदारा औरतों को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने और उन्हें एम्पावर करने में मदद करता है। मैंने तुम्हारा केस आगे फॉरवर्ड किया था और वो लोग कंसीडर भी कर रहे हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो तुम्हारे जहन में कोई बिजनेस आइडिया है भी या नहीं? मैं अपना ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहती हूँ जहाँ मैं लड़कियों को ड्राइविंग सिखाऊं और जो लड़कियाँ जॉब करती हैं उनके लिए पिक एंड ड्रॉप की सर्विस प्रोवाइड करना चाहती हूँ। मैम मैं ऐसी जगह, ऐसा सेंटर बनाना चाह रही हूँ। अभी भी जो ज़्यादातर मेरे पास सवारियाँ हैं वो उन्हीं लड़कियों की हैं या उन्हीं ख़वातीन की हैं जो जॉब्स कर रही हैं। आई लाइक योर ड्राइविंग स्कूल वाला आइडिया, बहुत अच्छा है। थैंक्स मैम। तुमने तो अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया है, अब बाकी लड़कियों की मदद करो ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुद ड्राइव कर सकें। यस मैम। गुड लक। थैंक यू। अच्छा ये कुछ डॉक्यूमेंट है। कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, टूट जा बेफिकर बेफिकर, डूबे चाहे सितारा, तू बदले वक्त का धारा, खुद से भी तू ना डर बेफिकर। अरे अरे क्या हो गया भाई, क्या बात है? आपकी दुआओं से आपकी बेटी के और इस घर के दिन बदलने वाले हैं। पर कैसे हुआ, क्या है? अम्मी
मुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए ना सरमाया मिल रहा है। उस सरमाए से मैं ड्राइविंग स्कूल बनाऊंगी और ड्राइविंग स्कूल में लड़कियों को ड्राइविंग सिखाऊंगी। और बाबा की जो टैक्सी है ना, इसको बेच के मैं किस्तों पे नई गाड़ी लूंगी और उस गाड़ी को मैं उस ऐप से कनेक्ट करूंगी जिससे घर बैठे सवारियां मिल जाती। सच कह रही हो? जी अम्मी, बस कल से ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ मैं ड्राइविंग स्कूल बना सकूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरी बेटी को बहुत तरक्कियां दे। आमीन आमीन। लेकिन बेटा ये टैक्सी मत बेचो। क्यों अम्मी? तुम्हारे अब्बू अक्सर कहा करते हैं कि हमारे अच्छे बुरे वक्त में इस टैक्सी ने हमारा बहुत साथ दिया, और तुम्हारे दिन भी तो इसी की तुफैल बदले हैं ना, इसे मत बेचो। तुम्हारे अब्बू को तुम्हारा टैक्सी चलाना अच्छा नहीं लगता, फिर अगर ये बात सुनेंगे तो उन्हें दुख होगा। अम्मी, जिंदगी में एक जगह स्टक होकर बैठने वाली सोच गलत है। जिंदगी को और जिंदगी के तरीकों को वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहना चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यकीन माने, अब्बू चाहते ना तो इस टैक्सी को अपडेट करवा सकते थे, और अगर ये अपडेट हो जाती ना तो हमारी जिंदगी अपडेट हो जाती। अम्मी अम्मी, पुरानी रिवायतें हो या पुरानी टैक्सी, मैं ये नहीं कह रही कि बुरी है, पर उनके साथ चिमट के बैठे रहने वाली सोच गलत है। उस सोच को बदलना है। ये ठीक कह रही है ताबिंदा। मेरे जैसे कितने ही हैं जो जमाने के साथ दौड़ने से डरते हैं, उन्हें तब्दीली से डर लगता है। अगर मेरी बेटी निडर हो गई है तो तुम उसमें मेरा खौफ मुंतकिल मत करो। करने दो इसे सब जो ये करना चाहती है, ये बिल्कुल ठीक कर रही है। कितनी रहो बड्डी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर मैंने जितना जोर हातिम की तालीम पर दिया ना तुम पर दिया होता तो तुम्हें ये सब ना करना पड़ता। It's okay. मैं अभी भी पढ़ सकती हूँ और मैं पढ़ रही हूँ। मैंने प्राइवेट एडमिशन के और पेपर्स की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। खुश रहो मेरी बच्ची, बेटा सब कुछ करो जो तुम करना चाहती हो। थैंक यू। सब मेरा बच्चा, सब। बन के दिखा दे सबको तू नूरे तेरे इशारों से मुड़ जाए दहकी हवा, तेरे कदम अब रुक न सके, हौसले तेरे झुक न सके, फिर खुदा भी पूछे तुझसे तेरी रजा। सारंग। हेलो। मुझे लाहौर जाना है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी वाले चाहते हैं कि मैं लाहौर जाने से पहले यूनिवर्सिटी में आके लेक्चर दूं। उसके लिए मैं स्पीच तैयार कर रहा था, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं। सोचा आपसे मशवरा कर लूं। कागज पर लिखकर कुछ मत बोलना, जो बोलना दिल से बोलना। जब तुम दिल से बोलते हो ना बहुत अच्छा बोलते हो। सुनो, मुझे जरूर बुलाना, मुझे भी तुम्हारे दिल की बातें सुननी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको ना बुलाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी आ जाए। कब जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए?
आप क्यों लाएंगे ये? जो आपकी मोहब्बत और आपके इस रवैये की आदत नहीं है। खफा हो अब तक? माफ नहीं करोगे अपनी माँ को? मुझे आपसे और एकान से कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, तो फिर वादा करो कि तुम्हारी पोस्टिंग चाहे कहीं पे भी हो, छुट्टियों में तुम हमारे पास आया करोगे, अपने घर आओगे ना? पापा की वजह से ये घर मेरे लिए घर था, अब जब वो ही इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर यहां आने का क्या फायदा? इसका मतलब तुमने मुझे और अपने भाई को अब तक माफ नहीं किया? एकान, 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 मुझे पता है तुम दरवाजे के पीछे खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे हो। घबराओ मत, अंदर आ जाओ। से मुझे बाबा की खुशबू आती है। तुम हमेशा मेरे छोटे भाई रहोगे, लेकिन एक बात याद रखना ज्ञान, मेरे असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद मैं तुम्हारी कभी भी कहीं पे भी कोई सिफारिश नहीं करूंगा। तुम्हें मेरे जैसा बनना है, तरक्की करनी है, बड़ा आदमी बनना है। दिल लगाकर पढ़ोगे तभी ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा। तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मैं करूंगा। तुम्हें किसी भी मशवरे की जरूरत चाहिए होगी मैं हमेशा रहूंगी, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। भाई, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप हमेशा मेरे बड़े भाई बने रहिएगा, प्लीज। सबको तू नूरे सुबह, तेरे इशारों से मुड़ जाए दहकी हवा। यकीन कीजिए, किताबों को बिल्कुल पता नहीं होता कि उन्हें पढ़ने वाला लड़का है, लड़की है या कोई थर्ड जेंडर। किताबें बायस नहीं होती, वो अपना इल्म हर इंसान तक यकसा पहुंचाती हैं। लेकिन आप किताबें पढ़ने वाले तो बने, किताबों में दिलचस्पी तो ले, उनसे कुछ सीखने की कोशिश तो करें, फिर देखिएगा किताबें किस तरह आपकी जिंदगी को और आपके मुस्तकबिल को चार चांद लगा देंगी। अब एक और बहुत जरूरी बात, एतमाद। मुझ जैसे इस मुल्क में हजारों बच्चे, लेकिन क्या वजह है कि चंद ही किसी मुकाम तक पहुंच पाते हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी में शब्बीर अहमद जैसा बाप नहीं होता। हमें मुझ जैसे बच्चों के लिए शब्बीर अहमद बनना है,
उन्हें गले से लगाना है, उन बच्चों से दोस्ती करनी है। यकीन कीजिए, पैदा होने वाले बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं होता। जब उसे उसके सगे घर वाले रिजेक्ट कर देते हैं, ये सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्शन तो क्या, इसका मजाक उड़ाती है, उसे डिग्रेड करती है। और उसके रिएक्शन में जब वो बच्चा कुछ बहुत बुरा करना शुरू हो जाता, तो वो बच्चा अपनी जिंदगी बच से बदतर करता चला जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस सब का जिम्मेदार कौन है, वो बच्चा या हम? कोई भी बच्चा बाय डिफॉल्ट बुरा पैदा नहीं होता, ये सोसाइटी, हम सब मिलकर उसे बुरा बनाते हैं। मैं उन मां बाप से मुखातिब हूं, अगर आपके घर में कोई थर्ड जेंडर बच्चा पैदा हो जाए, तो उसकी पैदाइश पे कभी कोई सवाल मत उठाइएगा, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है, वो इंसान है, उसे इंसान समझिएगा, उसे ओन कीजिएगा, उसे बस आपका थोड़ा सा ज्यादा प्यार चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा तवज्जा, थोड़ी सी ज्यादा अटेंशन। लेकिन आप लोग उसे कबूल तो कीजिए, फिर आप लोग देखिएगा कि वो बच्चा आपकी सोसाइटी और आपके मुआशरे को बदलने के लिए कितना अहम किरदार अदा कर सकता है। इस घर की इज्जत पर, अपनी इज्जत पर नहीं आने दिया, कभी भी नहीं। लेकिन मुझसे जो भी गलती हुई है, उसे नादानी समझकर माफ कर दे। कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, टूट जा बेफिकर बेफिकर। क्या बात है लड़के, तुम तो छा गए हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, माशाल्लाह। अच्छा सुने, मेरे दोस्त वोस्त तो है नहीं, अब आपसे दोस्ती की है तो आपको मेरे हर अच्छे और बुरे वक्त पे मेरे साथ खड़े रहना होगा। कोशिश करूंगी, बाकी देखते हैं क्या होगा। अभी जब मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी ना लाहौर में, तो मैं आपको लाहौर बुलाऊंगा, एक पाकिस्तान टूर तो हमारा बनता ही है। पहले तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, ये सैर सपाटे वाले प्लान हम फिर कभी बनाएंगे। अच्छा एक और बात, सीएसएस के रिजल्ट आने के बाद से और अम्मी और भाई का जो रवैया बदला है, और स्पेशली बाबा के जाने के बाद, पता नहीं मुझे लग रहा है मुझे कुछ हो गया है। क्या हो रहा है? पता नहीं, आई डोंट नो, इतनी अटेंशन और प्यार मिल रहा है, मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं बिगड़ ना जाऊं। अच्छा फिर? फिर ये कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी कान खींचने वाली दोस्त बने, कि अगर कभी भी मैं अपने ट्रैक से आउट हूं या थोड़ा सा भी हवा में उड़ने की कोशिश करूं ना, वहां मुझे कान से पकड़ कर खूब डांट पिला दीजिएगा। Are you sure? डांट खा लोगे मेरी? सारी अथॉरिटीज आपको दे रहा हूं। बाबा तो अब रहे नहीं, पर आपको बाबा बना नहीं सकता, इसलिए आज से बाबा वाली सारी अथॉरिटीज आपको। लाहौर जाने से पहले एक लंच तुम मेरे साथ करोगे, जगह तुम्हारी मर्जी की होगी और बिल मैं पे करूंगी। नहीं, लंच तो हम करेंगे बिल्कुल, लेकिन बिल मैं पे करूं। बाप का बिल पे करेगा? हाँ, बदतमीज। हाँ?
स्वीट लगाओ दूं मैं करो फिलहाल आप ही पे करेंगे जब मैं आपको लाहौर बुलाऊंगा आप आएंगी ना बेटा खुद तो पहले लाहौर पहुंच मौका मिला तो आ जाऊंगे ये भी ठीक है वो रामीन की नई वीडियो देखी आपने नहीं आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा मेरी बात ही नहीं यहाँ से रामीन ने नई वीडियो अपलोड की है अच्छा इंटरनेट पे बहुत वायरल है मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें हेलो एवरीवन आप लोगों ने हमेशा मुझे मेकअप या कपड़ों वगैरह की वीडियोस में देखा है लेकिन आज मैं आपसे अहम बात करना चाहती हूँ आप सबसे खसूसन उन लड़कियों से जो अपनी जायदाद या विरासत के मसलों से दो चार है औरतों और लड़कियों के साथ ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है जो हमारी सोसाइटी में हो रही है इस बात का शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है गुज़िश्ता दिनों में कुछ ख़वातीन कुछ लॉयर्स से मिली जिनकी बातों से मुझे पता चला कि पाकिस्तान में लाखों करोड़ों औरतें ऐसी हैं जिनको उनके बाप की या फिर शौहर की जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाती या तो उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया जाता है या फिर कह दिया जाता है कि तुम जायदाद का क्या करोगी तुमने हमारे साथ ही तो रहना है हमारी मिसोजिनिस्ट सोसाइटी हमारी औरत को उनकी जायदाद का जायज़ हक भी नहीं देना चाहती और हालत ये है कि बेशुमार लड़कियों के शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनवाए जाते हैं मैं सच कह रही हूँ अगर बाप की जायदाद है तो उसमें से हिस्सा या हक ना देना पड़ जाए वैसे मुझे समझ नहीं आ रही तुम तो मेकअप शेकअप की वीडियोस बनाती थी ये लीगल चक्रों में कैसे पड़ गई जब सर पर पड़ती है ना तो फिर पता चलता है कि हम कितने गाब में जी रहे थे होना क्या था हम दोनों की अम्मियों ने हमारी शादी तो करवा दी लेकिन हमारे बापों को हमारी शादी कबूल ना और उठाकर हमें घर से निकाल दिया और हमारे निकाह से आने वाले तूफान के साइड इफेक्ट्स अभी तक चल रहे हैं सीरियसली मेरा भाई तो गुस्से में पागल ही हो चुका है तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई और मेरे घर में मेरे वालिद साहब पता है वो दोनों एक हो गए हैं और हमारे साथ क्या कर रहे हैं क्या शादी के बाद ये हमारा तीसरा घर है हम जिस एरिया में भी जाते हैं वो वहां रेस्ट करने के लिए हमें पहुंच जाते थे या फिर अपने आदमियों से ये काम कराते थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने शादी कर ली है हाँ और हमने उनकी ईगो उनके प्राइड को हर्ट कर दिया या यू वोंट इवन बिलीव ये सारा वक्त हमने कितनी मुसीबत से गुजारा हमारे पास जितने भी पैसे थे ना या हम जो भी पैसे कमा रहे हैं वो घर बदलने में एडवांस देने में खर्च हो जाते हैं लोगों की लव स्टोरीज में लड़ाइयाँ शादी से पहले होती हैं हमारे सारे प्रॉब्लम्स और लड़ाइयाँ शादी के बाद से शुरू हैं हमारी मजबूरी भी देखें एक तरफ शोजब के वालिद हैं और दूसरी तरफ मेरा भाई कंप्लेन करें भी तो किसके खिलाफ I'm so sorry. मुझे बहुत अफसोस हुआ है ये सब सुन के अच्छा मुझे था आप लोगों के निकाह के बाद तो घर वालों ने आप लोगों को एक्सेप्ट कर लिया होगा कर लेते तो झगड़ा ही किस बात का था नहीं तो ये विरासत और प्रॉपर्टी का झगड़ा कैसे शुरू हुआ हम अपनी फैमिलीज की कंप्लेन तो करवा नहीं सकते थे तो इसलिए एक दिन ऐसी मशवरा लेने के लिए हम वकील के पास चले गए आप दोनों बालिग हैं समझदार हैं आप दोनों को पूरा हक है अपनी मर्जी से शादी करने का जज्बाती बुनियाद पर अगर आपके वालिदैन ने आपको घर से निकाल भी दिया है विरासत के हक से आपको महरूम नहीं कर सकते और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो ये सरासर नाइंसाफी की बात है मतलब हम उनसे कह सकते हैं कि वो हमें हमारा जायज हक दें बिल्कुल कह सकते हैं और कहना भी चाहिए हाँ लेकिन हमने शादी उनका दिल दुखा के की थी वो पहले ही हमसे बहुत नाराज हैं नाराज हैं तो थोड़ा और नाराज हो जाएंगे लेकिन आप दोनों का जो जायज हक है उसका तकाजा आप दोनों को लाजमी करना चाहिए और रामीन आप अपने वालिद से ज़रूर बात करें वैसे अमूमन वालिदैन के जीते जी बच्चे जायदाद में हिस्सा नहीं मांगते
उसे ये इम्प्रेशन पड़ता है कि औलाद लालची है और जायदाद और पैसों का तकाजा कर रही है। लेकिन आप दोनों का केस मुख्तलिफ है। उन दोनों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है और ये भी अंदाज़ा नहीं कि वो आपसे मिलने वाले भी हैं या नहीं। इसलिए बेहतर है कि आप दोनों अपने अपने वालिद की मौजूदगी में इस बात को साफ कर दें। खुदा ना खास्ता वो ना रहे, बाद में आपके भाई बहन इस हवाले से आपके लिए कई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। कैसी मुश्किलात? मतलब अगर उन्होंने आपके वालिद से कोई पेपर साइन करा लिया तो आप अपने विरासत के हक से हमेशा के लिए महरूम भी हो सकती हैं। मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। निकाह और शादी के बाद अब्बू ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की, और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि तलाल भाई उनको मुझसे बात करने ही नहीं दे रहे। अमीन प्लीज, तुम तलाल भाई की तरफ से बदगुमान मत हो, छोड़ दो यार ये सब। यार वो आज से नहीं, वो शुरू से मेरे दुश्मन है। और क्या क्या किस्से सुनाऊं मैं उनकी ज्यादतियों के? अच्छा अच्छा सुनो, शादी को 2-4 साल गुजर जाने दो, हो सकता है ये सब कुछ खुद ही ठीक हो जाए। तुमने सुना नहीं वकील ने क्या कहा? मुझे अगर अपनी विरासत या जायदाद के हक के बारे में बात करनी है तो मुझे अब्बू के जीते जी ही कर लेनी चाहिए। आमीन, मुझे ऑनेस्टली तुम्हारी फिक्र हो रही है। समझ नहीं रही हो, मैं नहीं चाहता हूँ तुम तलाल भाई से इस सिलसिले में उलझो। उलझना तो पड़ेगा, वो मेरा हक खाना चाहते हैं, और सिर्फ हक नहीं खाना चाहते, मेरे माँ बाप को मुझसे बदगुमान भी कर रहे हैं। मुझे बात नहीं करने देते, मुझे मिलने नहीं देते, और अब मैं अपने माँ बाप से मिलूंगी भी और अपना हक भी मांगूंगी। घर से तुम्हारा हर ताल्लुक खत्म हो चुका है। मेरी माँ से मेरा ताल्लुक खत्म करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते ना, तो मत करें ऐसे। आ गई हूं का क्या मतलब है? तुम्हारे लिए इस घर के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, चले जाओ यहां से। मैं सारे बंद दरवाजे खोलने के लिए तो आई हूं, और सिर्फ इस घर के नहीं बल्कि रियाकारी और नाम नेहात गैरत के भी आज दरवाजे खोले जाने चाहिए। तुम यहां आई क्यों हो? मुझे अब्बू से मिलना है। अब्बू तुमसे नहीं मिलना चाहते? ठीक है, ये जुमला मैं उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैं तुमसे कहा ना, अब्बू तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते। तुमने जो कहना है मुझसे कहो, मैं तुम्हारा मैसेज उनको दे दूंगा। मुझे उनकी जायदाद से अपना हक चाहिए, वो भी उनके जीते जी, और ये बात उनसे मैं बराए रास्त करना चाहती हूँ। तुमने हमारे खानदान की तजलील की है, घर से भाग के शादी की है तुमने। अब्बू की जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है ना मिले, लेकिन ये बात मुझे उनके मुंह से सुननी है। अगर जो बात आप कह रहे हैं वही बात अब्बू ने मुझे कह दी ना, तो उल्टे पांव इस घर से वापस चली जाऊंगी और कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हें कहा ना, अब्बू तुमसे नहीं मिलना चाहते। तलाल, भाई हो भाई रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। चलो बेटा अपने अब्बू से मिल लो, अब ये तुम्हें नहीं रुकेगा। मैं जानती हूँ मैंने
मैंने थोड़ी लाइन क्रॉस की। वो ही शादी अपनी मर्जी से की जो कभी आप करवाना चाहते थे, और थोड़ा बहुत बदनामी का भी बाइस बन गई। लेकिन अबू, एक बार मेरी वीडियो से ईमानदारी के साथ देख के तो देखें। जितने लोग मुझे बुरा भला कहते हैं उनको तो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, लेकिन इतने लोग ऐसे हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, उनकी तादाद तो बेशुमार है। आपने और अम्मी ने मुझे इज्जत के साथ सर उठाकर जीना सिखाया। कभी भी इस घर की इज्जत पर, अपनी इज्जत पर नहीं आने दिया, कभी भी नहीं। लेकिन मुझसे जो भी गलती हुई है उसे नादानी समझकर माफ कर दे। मुझे आपको एक और चीज भी दिखानी है। तुम्हारे माफी मांग लेने से वो दाग धुल नहीं जाएगा जो तुमने हम सब की इज्जत पे लगाया। तुम्हारा घटिया डांस वाला वीडियो और फिर उसके बाद घर से भाग के शादी करना, सब याद है मुझे। तुम जैसी बहन को तो पैदा होते ही जान से मार देना चाहिए। बस कर दो तलाल। अपनी बहन को तुम अब क्या जान लोगे? वो आपने देखा नहीं कि इसने हम सब के साथ क्या किया? मैं कुछ नहीं भूला हूं, मुझे सब याद है जो इसने किया था, और मुझे वो भी सब कुछ याद है जो तुम कर चुके हो, और जो तुम इस वक्त कर रहे हो मैं वो भी सब कुछ देख रहा हूं। बूढ़े माँ बाप और उनकी हिम्मत को इतना नहीं आजमाते तलाल। अबू, आप इसको माफ करने की हिमाकत हरगिज नहीं करेंगे। मैं ये हिमाकत जरूर करूंगा, इसे माफ करूंगा। माँ बाप और करते क्या हैं? अपनी औलाद को माफ करते हैं ना, मौका देते हैं। तुम्हें भी इतने सारे मौके दिए हैं तो इसको मौका क्यों ना दूं मैं? ये तुम्हारी तरह मुझ पर उंगली उठाकर हुक्म नहीं चला रही, मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफी मांग रही है। इसको मैं माफ करूंगा, और जो भी मेरी जायदाद में इसका जायज हक है वो भी इसको दूंगा। तुम्हें जिंदगी में जीते जी, तुमने जो करना है ना कर लो। सब लोग मुझे मेरे व्लॉग की वजह से जानते हैं। उस दिन पहले रामीन की जो वीडियो वायरल हुई थी वो मैंने करवाई थी। उसकी फैन फॉलोइंग की वजह से मैं जेलस थी, इसलिए उसकी एक डांस वीडियो मेरे हाथ आई, मैंने उसको मॉर्फ करके फेक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ये कन्फेशन वीडियो मेरे पास 4 दिन पहले आ चुकी थी, लेकिन मैंने इसे सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले कोई कन्फेशन वीडियो देखने के बाद मुझे माफ करें। मैं सोशल मीडिया स्टार नहीं हूं, आपकी बहन हूं, आपकी और आपकी बेटी हूं। नहीं चाहती थी कि कोई भी कन्फेशन वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मुझ पर एतबार है, बल्कि किसी भी माँ बाप को अपनी बेटियों पर एतबार करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
हर माँ बाप को अपनी बेटियों पर पूरा एतमाद करना चाहिए। धोती तो कब की छोड़ चुकी होती है कि मेरी बेटी है, और बेटी को भला कौन छोड़ सकता है। नहीं मिजना, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जिद है और कुछ नहीं। कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, टूट जा बेफिकर बेफिकर। लाओ भी लाओ, अब इस चुन्नी मुन्नी गुड़िया को मुझे दे दो। मुझसे ज्यादा लाड तो आप करने लगी इससे। 6 महीने से यहाँ पे रह रहे, इस अरसे में इतनी प्यारी बच्ची से खास उन्स तो हो जाएगा ना मुझे। आपकी नवासी नहीं है ना, इसलिए अभी भी आप उनसे कह रही, ये नहीं कह रही कि आपको इससे मोहब्बत हो गई। हो गई है मोहब्बत, लेकिन ये बात भी सच है कि ना तो ये तुम्हारी सगी बेटी है ना मेरी सगी नवासी। और क्या, वो भी कह दे, चुप ना रहे। बेटा तुम एक पराई बच्ची की खातिर 6 महीने से अपना अपने शौहर का घर छोड़ के यहाँ पे बैठी हुई हो। क्या ये मेरा घर नहीं है? नहीं, बिल्कुल तुम्हारा घर है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये मेरी बेटी नहीं लगती ना, लेकिन सच माने मुझे ये अपनी ही बेटी लगती। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसको पैदा किया, अल्लाह ने इसको दुनिया में मेरे लिए भेजा है। मैं सबसे लड़ सकती हूँ इसके लिए, लेकिन इसको दूर नहीं कर सकती खुद से, किसी कीमत पर भी नहीं। मिजना बाजी, आमिर साहब आए हैं। तुम ऐसा करो, उनको कमरे में बिठाओ, हम लोग आते हैं। शिफा को मेरे पास छोड़कर जाए। बेटे मैं इसे देख लेती हूँ, इतने दिनों के बाद तुम्हारा शौहर घर पे आया है, प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेले में तो बात कर लो उससे। नहीं, मैं इसको आमिर से या किसी से भी छुपा कर नहीं रखना चाहती हमें। ये मेरी बेटी, माँ हूँ मैं इसकी, और माँ अपनी औलाद को खुशी से और फखर से ओन करती है। वालेकुम सलाम। कैसे हो? 6 महीने से खाली दीवारों से सर मार, कैसा हो सकता? मैं भी बहुत मिस कर रही थी। मिस कर रही थी तो छोड़ो ये जिद, चलो घर।
सिद्ध होती तो कब की छोड़ चुकी होती कि मेरी बेटी है, और बेटी को भला कौन छोड़ सकता है। नहीं मिजना, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जिद है और कुछ नहीं। मैंने एक बार नहीं कई बार इसकी माँ को ढूंढने की कोशिश की, अगर मुझे इसकी माँ मिल जाती ना तो मैं उसके कदमों में बैठ के उसको मना लेती, इसकी माँ के हवाले करती थी इसको, अगर मुझे नहीं मिली। लेकिन मुझे मिल गई है। मैंने हॉस्पिटल से इसका रिकॉर्ड निकलवा लिया था और तब से लेके अब तक इसके मां बाप को ढूंढ रहा था। वो पंजाब गए हुए थे इसलिए मिल नहीं रहे थे, लेकिन अब वो मिल गए। मिजना तुम लाख कह लो लेकिन तुम इसकी मां नहीं हो, और जो इसकी मां है वो तुम नहीं हो सकती। एक बच्चे को अपनी मां के पास होना चाहिए, चाहे जैसी भी हो, गरीब जालिम जाहिल, लेकिन माँ माँ ही होती है। और एक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपने असल माँ बाप के पास ही पलना चाहिए। लेकिन वो तो खुद इसको हॉस्पिटल छोड़कर गई थी ना। मैं जानता हूँ सर, मेरी बात भी हो चुकी है, और वो अपनी बेटी को वापस लेने के लिए तैयार है। परेशान मत हो, तुम जब चाहोगी हम शिफा से जाके मिल सकते हैं। इसकी सेहत, तालीम और हर जरूरत का ख्याल रखेंगे, लेकिन इसको इसकी मां से जुदा किए बगैर। जिंदगी नहीं भूलूंगी, मैं उस दिन से रोज रोती हूँ, मैं इसके रोज रोती हूँ कि मेरे बच्चे ला दे। साहब जी, बेगम साहिबा, माफ कर दिया हमें, पहले ही चार चार बेटियां हैं, और जब मैंने सुना ना पांचवी बेटी हुई है तो मैं गुस्से से पागल हो गया, और मैंने उसको कह दिया कि जाओ जाकर इसको अस्पताल छोड़ के आ जा, नहीं चाहिए हमें एक और बेटी, और ये आ गई वापस, और हम कराची छोड़ के चले गए। ये तो साहब जी मुझे लेकर आए हैं और मुझे नौकरी भी दे रहे हैं। बेगम साहिबा, अपने भाई को माफ कर दो अपने भाई को। अरे बस बस, अब कैसा रोना, नौकरी के साथ साथ आपकी सारी बेटियों का ख्याल भी रखेंगे, उनका खर्चा उठाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे उनको, किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, उनकी सेहत तालीम हर चीज का ख्याल हम ही रखेंगे। इसकी कुछ चीजें हैं जो मैंने ली थी, ये आप रख लें, और इसमें इसका फीडर है। हमारी बहू इतने दिनों के बाद। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। और वो कहाँ है जिसे ये सीने से लगाकर घर से चली गई थी? शिफा को हम उसके असली मां बाप के पास छोड़कर आए, लेकिन अभी भी अम्मा
वो हमारी ही बेटी है। उसके खाने पीने, सेहत, तालीम, हर जरूरत का खर्चा हम दोनों उठाएंगे। और एक और बात, आज के बाद आप मिजना को माना बनने का ताना कभी नहीं देंगे, क्योंकि सच ये है कि कमी इसमें नहीं बल्कि कमी मुझ में है। हाँ ये सच है, आप तो शायद ना समझ पाए, लेकिन ये मेरी रिपोर्ट है, पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो हमें औलाद जरूर देगा, और अगर ना भी दी तो कोई बात नहीं, क्योंकि शिफा जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप हम बन सकते हैं। और वैसे भी सारी जिंदगी गुजारने के लिए हम दोनों ही काफी हैं एक दूसरे के। आए तो सही अब वो बेटा कहाँ ले जा रही हो, आज तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना। अच्छे अबू ज्यादा बातें नहीं करते, चुप करके आए, वो सामने देखिए क्या है, आप देखें यहाँ। I'm sorry अबू, मैं शोरूम से चला के लाई, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि इस गाड़ी को सबसे पहले आप हाथ लगाते, आप इसे चलाते। बहन पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी लेकर आई है, ये कितनी लशपश लग रही है ना मेरी रानिया की गाड़ी। अब वो गाड़ी चलाए ना, हॉर्न बजा के देखें, सीट्स चेक करें, यार शोर मत सुनो ना। तुमने तो बस बस कांग्रेट्स बोलो, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। कॉन्ग्रेट से पहले ग्लव्स तो बोल सकता हूँ क्या? सॉरी। कान लाल हो गया ना, मेरा काम हो गया। अभी देख लें, मेरे सॉरी बोलने का नाजायज फायदा उठा लिया ये। हो गया तेरा, कैमरा निकाल, मोबाइल निकाल ना, तस्वीर बना, जल्दी सेल्फी ले गाड़ी के साथ। अबू चीज पास आओ ना, इतनी दूर क्यों हो, पास आओ। चीज चीज करते सर, चीज बाजी। व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूँ। कांग्रेट्स सिस, ये कैप्शन चाहिए ना? अरे अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, ये गाड़ी तुम्हारी है? जी पप्पू, इसीलिए भी एक हफ्ता हो गया। और अब आ रही हूँ पप्पू को दिखाने? नहीं पप्पू, मैं इतनी बदतमीजी हूँ कि आपको दिखाने के लिए आई हूँ? अभी वैसे भी मेरे नाम पे नहीं है, 3 साल कहीं बैंक की किस्त देनी है, उसके बाद जाकर ये मेरे नाम पे आएगी। फिर ये मिठाई? हातिम की जॉब लगी ना पप्पू, बहुत अच्छी जगह पे, तो पहली सैलरी मिली, अब्बू ने कहा कि खास तौर पे पप्पू के घर मिठाई जाएगी पहले।
चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम लोगों के दिन भी फेरे। अरे यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। नहीं पप्पू, राइड बुक की हुई है तो मुझे पहुँचना होगा वहाँ। हेलो, मैं सोच ही रहा था तुम्हारी तरफ आने, तो मैं मुबारकबाद देने के लिए। चलो मैं चली आई, एक ही बात है। नई गाड़ी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। ठीक है पप्पू, मैं चलूँ। अरे बेटा कोई चाय वाय तो पीती जाओ। पप्पू वो काम पर हूँ ना, काम पर नहीं होंगी, खुदा कर चाय पीऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुमसे लिए हुए पैसों की लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने ट्रांसफर कर दी है, चेक करो रिसीव हुई है। अब तो मुझे इस तरह शर्मिंदा करो। मैं नहीं शर्मिंदा नहीं कर रही, बल्कि मैं तो शुक्र गुजार हूँ कि तुमने इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, पैसों का तकाजा नहीं किया। थैंक यू सो मच। तुम्हारा ना यू फॉर्मल होकर मुझसे बात करना ना जहर लगता मुझको। कर्जा दे दिया ना मैंने, कोशिश करूंगी फॉर्मल ना हो। मतलब हम आइंदा बात करेंगे और मिलेंगे भी, है ना? पता नहीं, देखते हैं। सॉरी मेरी राइट की कॉल आ रही है। हेलो जी सर, सर 5 मिनट्स अवे। या या, आई एम ऑन माय वे। ओके बाय। मैम, थैंक यू। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, क्या आप मुझे ड्राइविंग सिखाएंगे? मैं सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को गाड़ी चलाना सिखाती हूँ। अगर आपको मुझसे गाड़ी चलाना सीखनी है तो अपनी मेल ईगो को मारना पड़ेगा। ठीक है, बात मेल ईगो को मारूंगा। बहुत सख्त टीचर हूं मैं। जिंदगी की ड्राइव गलत हो या गाड़ी की, कस के लगा दूंगी। जिंदगी की या गाड़ी की, जो ड्राइव भी गलत करो आप कस कर लगा दिएगा।
सारा टूट जा बेफिकर बेफिकर तेरे ही आंचल में पासबानी कल की है तू किसी से कम नहीं है मिसल तू मशल की है तुझसे ही रोशन चांद सितारे हाथों में भर ले जुगनू सारे तेरे दिल का शोर खींचे तेरी तुमने तो अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया है अब बाकी लड़कियों की मदद करो ताकि वो अपनी जिंदगी खुद ड्राइव कर सकें।